What is blood plasma? Blood plasma is a light amber colored liquid component of blood in which blood cells are absent but contains protein and other constituent of whole blood. In suspension, it make up about 55% of body total blood volume. It is the intravascular part of extracellular fluid, all body fluid outside cell. It is mostly water, 95% by volume, and contains important dissolved protein, 6-8%. Example, serum, albumins, globulins, and fibrinogen. Second, glucose clotting factor electrolytes, such as sodium, carbonic, magnesium, क्रोलिन, फिन देन आफ्टर पोटेशियम, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं जो अपने ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा एक लाइट एम्बर कलर लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड में, जो 95% ऑफ वॉल्यूम कंसिस्ट करता है, जिसमें से 55% ऑफ टोटल बॉडी वॉल्यूम सिर्फ प्लाज्मा से होता है। और प्लाज्मा जो है एक अपने ब्लड में ही रहता है, जैसे कि अभी हम ये वाला देख लो, ये RBC है। जब ब्लड को अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जितने भी रेड ब्लड सेल है वो नीचे सेटल हो जाते हैं और जितने भी प्लाज्मा है वो ऊपर में सेपरेट हो जाते हैं। तो प्लाज्मा में जो एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है, जैसे प्लेटलेट्स हुए, देन प्लाज्मा, ये पूरे येलोइश कलर वाले सारे प्लाज्मा हुए, देन अपना WBC होता है, जो वाइट ब्लड सेल अबाउट 4% रहता है। तो उसमें क्या रहता है, लिम्फोसाइट रहता है, बेसिनोफिल रहता है, इसिनोफिल रहता है, मोनोसाइट रहता है, न्यूट्रोफिल रहता है, और अपने ब्लड में RBC सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ देयर RBC सेल प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा के बाद में। अगर प्लाज्मा 55% है तो बाकी का 41% सिर्फ अपना RBC है, देन 0.01% अराउंड प्लेटलेट्स रहते हैं। और प्लेटलेट्स काउंट को 150,000 से लेके 450,000 तक के अराउंड में मेजरिंग रहना चाहिए एक ह्यूमन बॉडीज में नॉर्मल। और उसमें अपना 4% लिम्फोसाइट, बेसिनोफिल और इसिनोफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल रहता है, और इलेक्ट्रोलाइट रहता है जो ह्यूमन बॉडीज को डिहाइड्रेशन और या किसी भी चीज़ में हेल्प करता है बैलेंस करने में। और अपना क्लॉटिंग फैक्टर रहता है। क्लॉटिंग फैक्टर क्यों रहता है, क्योंकि उसमें अपना प्लेटलेट प्लाज्मा रहता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह मिलकर अपने डैमेज सेल बॉडी को रिकवर करता है। और जैसे प्लाज्मा में प्रोटीन्स, आयन्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेट्स, गैसेस, ये सारे चीज इन्वॉल्व रहते हैं अपने प्लाज्मा में। तो इसी तरीके का अपना ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा कभी भी क्या राइट एम्बर कलर लिक्विड कंपोनेंट है, बट कंटेंट प्रोटीन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ होल ब्लड इज सस्पेंशन, जो मिक्स रहता है। हम नेक्स्ट है, राइट द टाइप्स ऑफ WBC। टाइप्स ऑफ WBC में अपना क्या है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसिनोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल क्या है, सब टाइप्स, किसके, WBC के। इसिनोफिल भी सब टाइप्स है, ये सारे पांच सब टाइप्स है। और न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस को क्या रहता है, ये मल्टी लोबेड है, ये बायलोबेड है, बाय एंड ट्राई लोबेड है, ये टिप स्टेन इंस्ट्रिक्ट है, और ये किडनी शेप रहता है। तो ये इधर से आपको देखने मिल जाएगा, ये सारे इसके न्यूक्लियस हुए। देन अपना इसका फंक्शन क्या है, तो न्यूट्रोफिल क्या करता है, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन, देज आर द मोस्ट कॉमन फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जो न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। अगर अपने को कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अपने ब्लड में, अपना न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ रहेगा। देन पैरासाइट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन, अगर अपने को किसी चीज़ से एलर्जी हो रहा है या किसी पैरासाइट से अपने को कोई इन्फेक्शन है, तो अपना पैरासाइटिक इन्फेक्शन इसिनोफिल की वजह से बढ़ा हुआ रहेगा, मींस इसिनोफिल अपना बढ़ा हुआ रहेगा। अब बेसिनोफिल में क्या होता है, एलर्जिक और एंटीजन रिस्पॉन्स, जो भी एलर्जिक और एंटीजन रिस्पॉन्स रहता है, जैसे कि रिलीज हिस्टामाइन कॉजिंग वैसोडिलेशन, तो उस केस में अपना
बेसोफिल बढ़ा हुआ रहेगा। लिम्फोसाइट क्या है? इंक्लूडिंग बी सेल। अभी लिम्फोसाइट में दो तरीके के सेल रहते हैं, तो इंक्लूड्स बी सेल, CD4 प्लस हेल्पर टी सेल। बी सेल एंड टी सेल, ये दो तरीके के लिम्फोसाइट में सेल रहते हैं, और टी सेल ऑपरेट प्राइमरी इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फोसाइट अगर अपना बढ़ा हुआ आ रहा है तो अपना मीन्स के लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो काफ़ी अलग लेवल पे वो काम करते रहता है। मोनोसाइट में क्या होता है? फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू टी सेल, इवेंचुअली दे बिकम टिश्यू माइक्रोफेजेस विच रिमूव डेड सेल डिब्राइड्स एंड अटैक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर अपने मोनोसाइट का काउंट्स बढ़ा हुआ आता है तो उस केस में अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिएक्शन होता है, यानी कि वो परफॉर्म करते हैं, अटैक करते हैं, माइक्रोफेजेस हो जाते हैं। फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजेंस, उस टाइम उसका रिस्पॉन्स चलता है। जैसे हमने अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखा था फेगोसाइटोसिस का क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स आर टाइनी ब्लड सेल डेट हेल्प योर बॉडी फॉर्म क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो प्लेटलेट क्या होता है? प्लेटलेट अपने ब्लड में प्रेजेंट रहता है। जैसे अभी हमने नेक्स्ट वाले में अभी देखा था, प्रीवियसली वाले में, कि किस तरीके से अपने ब्लड में प्लेटलेट्स अवेलेबल रहते हैं। ये प्लेटलेट क्या करते हैं? अपने डैमेज सरफेस एरिया को हील करता है, यानी कि तुरंत वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करता है, प्लग बनाकर उस चीज़ को ब्लॉक करता है। इफ़ वन योर ब्लड वेसल गेट डैमेज, जब भी हमारा ब्लड वेसल डैमेज होता है तो इट सेंड आउट सिग्नल टू द प्लेटलेट। तो उस टाइम सिग्नल भेजा जाता है प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट क्या करता है? वहाँ पे आता है उस जगह पे जहाँ पे वो डैमेज हुआ रहता है, उस जगह को फिक्स करता है क्लॉट प्लग फॉर्मेशन करके। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग अक्रॉस द सर्फेस ऑफ डैमेज ब्लड वेसल टू स्टॉप ब्लीडिंग इज कॉल्ड एडहेशन। और जब डैमेज एरिया पे आके प्लेटलेट ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, यानी कि ब्लड बहना रोक देता है, तो उस चीज़ को अपन एडहेशन बोलते हैं। दिस इज बिकॉज व्हेन प्लेटलेट गेट टू साइट द इंजरी, और उस टाइम वहाँ पे प्लेटलेट आता है, इसके लिए अपन उस चीज़ को एडहेशन बोलते हैं। दे ग्रो स्टिकी टेंटिकल्स डैट हेल्प देम स्टिक अधेर। और जब उधर पे आकर चिपकता है, यानी कि डैमेज जगह पे आकर प्लेटलेट आता है, जब प्लेटलेट्स आते हैं डैमेज एरिया पे और वहाँ पे आके चिपक जाता है, तो उस चीज़ को स्टिकी पार्ट को अधेर बोलते हैं। और जब डैमेज ब्लड वेसल पे अपना प्लेटलेट आता है तो स्टॉप करता है ब्लीडिंग को, जब स्टॉप करता है ब्लीडिंग को, तो उस चीज़ को अपन एडहेशन बोलते हैं। और जब अपना प्लेटलेट्स आकर वहाँ चिपकता है तो उस चीज़ को अडेर बोलते हैं। रोक देने के बाद अडेर वर्ड ही कन्वर्ट हो जाता है अपना एडहेशन में। ये सिंपल सा लॉजिक है। जब आके चिपकेगा तब उसको अपन अधेर बोलेंगे, और जब वो रुक जाएगा ब्लड बहना रुक जाने के बाद में अपन उसको एडेशन बोलेंगे। दे ऑल्सो सेंट आउट केमिकल सिग्नल टू अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट। और वहाँ पे जब एक दो और जो भी प्लेटलेट्स आकर वहाँ पे चिपक जाएंगे, तो वो प्लेटलेट चिपकने के बाद में वो बाकी के प्लेटलेट को केमिकल सिग्नल भेजते हैं। तो उसको भेजने के बाद में क्या होता है? द एडिशनल प्लेटलेट पील ऑन टू द क्लॉट इन अ प्रोसेस कॉल्ड एग्रीगेशन। यानी कि जब एक प्लेटलेट आकर चिपक चुका है और उसने बाकी प्लेटलेट को मैसेज भेजकर बुला लिया अपने पास में, तो उस चीज़ को अपन एग्रेशन बोलेंगे। जब प्लेटलेट डैमेज वेसल पे आके चिपकेगा तो अधेर बोलेंगे, और जब चिपकने के बाद में ब्लड बहना रुक जाएगा तो एडेशन बोलेंगे, और जब रुकने के बाद में बाकी के प्लेटलेट को बुलाया जाएगा तो उस चीज़ को अपन एग्रीगेशन बोलते हैं। प्लेटलेट आर मेड इन योर बोन मैरो अलॉन्ग विथ योर वाइट ब्लड सेल एंड RBC रेड ब्लड सेल। योर बोन मैरो इज अ स्पॉन्जी सेंटर इनसाइड योर बोन, और अनदर नेम ऑफ प्लेटलेट इज थ्रोम्बोसाइट। अपन प्लेटलेट को ही दूसरे नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। और अपना थ्रोम्बोसाइट और RBC WBC बनता किधर है? अपने बोन मैरो में, जो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर रहता है। मीन्स कि अगर अपना बोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, तो इंटरनल जो स्पॉन्जी सेक्शन है अपने बोन का, तो उसमें प्रेजेंट रहता है अपना RBC WBC और प्लेटलेट, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। एक्सप्लेन होम्योस्टेसिस प्रोसेस। होम्योस्टेसिस प्रोसेस क्या है? होम्योस्टेसिस प्रोसेस एक तरीके का प्रोसेस है जो हमने अभी प्लेटलेट वाले में समझा कि किस तरीके से डैमेज वॉल को आकर वो फिल करता है और फिर वहाँ पे
रोक देता है ब्लड बहना, और ब्लड बहने को रोकने के बाद में वहाँ पे फिर से वो स्किन हुआ, मसल हुआ, तो वहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। तो जैसे अभी ये डायग्राम आप देखो किस तरीके से मतलब ब्लड बह रहा है, मतलब आउट हो रहा है, और रास्ते में क्या है अपने पास प्लेटलेट्स हैं, मतलब कि अपना जो ब्लड वेसल है उसमें ऑलरेडी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, और अचानक से अपने बॉडी सरफेस पे एक डैमेज होता है। तो डैमेज होने के बाद क्या होगा, वहाँ जो रास्ते में जाने वाले प्लेटलेट्स रहते हैं, तो वो प्लेटलेट यहाँ पे आके चिपक जाएंगे, जो इधर डायग्राम में आप देखो ये चिपक जा रहे हैं। चिपक जाने के बाद क्या करेगा, वो डैमेज एरिया को हील कर लेगा। मतलब यहाँ पे अभी आप सिंपली समझ कर लो, जो हमने अभी प्लेटलेट वाले में देखा कि अधेर क्या होता है, एडेशन क्या होता है, एग्रीग्रेशन क्या होता है, यही सेम चीज़ अभी यहाँ हम देखेंगे। जब प्लेटलेट यहाँ पे आकर पेस्ट होता है तो इस जगह को अपन क्या बोलते हैं, अधेर। और जब अपना प्लेटलेट्स यहाँ चिपकने के बाद में जब बाकी प्लेटलेट्स को मैसेज करता है तब उसको बोलते हैं एडेशन। और जब प्लेटलेट यहाँ चिपक जाने के बाद में जब ब्लड ये रुक जाता है, ब्लड यहाँ पे, तो एडेशन हो गया, अधेर हो गया। और अब आता है अपना दूसरा क्या है, एनिग्रेशन, ई अग्रीग्रेशन। एग्रीग्रेशन में क्या होता है, द एडिशनल प्लेटलेट स्पिल ऑन टू द क्लॉट इन प्रोसेस कॉल्ड एग्रीग्रेशन। तो ये एग्रीग्रेशन मतलब जो बाकी के प्लेट्स वगैरह है सब इधर पे आकर चिपक जाएंगे, क्लॉट फॉर्म कर देंगे, ब्लड बहना रुक जाएगा। तो ये हो गया अपना एग्रीग्रेशन, यानी कि अधेर, एडेशन और एग्रीग्रेशन, अधेर, एडेंशन और एग्रीग्रेशन। अब उसी में अपना सेम होम्योस्टेसिस प्रोसेस जो है, होम्योस्टेसिस प्रोसेस जो सेम इसी चीज को पूरा मेंशन करता है। जैसे इंजरी, पहले हो गया इंजरी, और ब्लड वेसल इज सेवर्ड ब्लड द ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट, यानी कि डैमेज हुआ और बहुत सारे प्लेटलेट्स बह रहे, आरबीसी बह रहे, डब्ल्यूबीसी बह रहे, सब बह रहे। फिर वास्कुलर स्पासम, वास्कुलर स्पासम में क्या हो जाएगा, अपना जो प्लेटलेट्स वगैरह वो इधर पे आके क्लोज होने लगेंगे। देन स्मूथ मसल वेसल वॉल कॉन्टैक्ट नियर द इंजरी पॉइंट रिड्यूसिंग ब्लड वेसल, मतलब कि अगर समझो हमारा ये वेन है, ये बीच से कट गया, तो जब वेन कट जाने के बाद में दो हो गया, तो दो हो जाने के बाद में क्या होगा कि जो मस्कुलर है वो इस तरीके से स्मॉल नैरो शेप में हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो फ्लो ब्लड का है वो कम हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो प्लेटलेट्स जो है वहाँ पे आके वो क्लोज होने लगेंगे। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड बाय द केमिकल रीजन फ्रॉम द इंजरी साइट एंड बाय कॉन्टेक्ट विथ अंडरलेइंग कोलेजन द प्लेटलेट्स बिकम स्पिकेड एंड स्टिक टू ईच अदर एंड वुंड साइट। फिर क्या होगा कि इसमें देखो आप किस तरीके से प्लेट एक दूसरे से जाके प्लेटलेट्स चिपकने लगते हैं, फॉर्मिंग प्लेटलेट प्लग, और वो बना देते हैं अपना प्लेटलेट प्लग। अब देन कोगुलेशन, कोगुलेशन में क्या होता है कि इन कोगुलेशन फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड टू फिब्रिन सी पार्ट बी, पार्ट बी फॉर्म अ मेस टैप्स मोर प्लेटलेट न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूसिंग अ क्लॉट, जो काफ़ी सारे से फॉर्मेशन ऑफ ये करने लगते हैं। मतलब कि जब प्लेटलेट क्लोज होता है तो प्लेटलेट क्लोज होने के बाद में फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में, प्रोथोम्बियन कन्वर्ट हो जाता है थोम्बियन में। ये दो वर्ड है जो प्रो से सिंपल सा कन्वर्जन हो जाता है। अभी ये है इंट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, ये दोनों में फर्क बस ये, प्रोथोम्बियन कन्वर्ट होता है थोम्बियन में और फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। फाइनल कॉमन पाथवे, जब अपना ब्लड फॉर्मेशन वहाँ पे बहना रुक जाता है तब। देन नेक्स्ट, व्हाट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करता हूँ कि एबीओ ब्लड ग्रुप में सिर्फ दो तरीके के एंटीजन होते हैं, ए एंड बी। तो ए और बी में क्या लॉजिक है, मीन्स कि जो है सो है और जो नहीं है सो वो है। मतलब
अपने को ए दिया हुआ है और अपने को बी दिया हुआ है, ओ दिया है नहीं दिया है, ओ नहीं दिया रहता है। कभी भी हम ब्लड ग्रुप करता है, कोई भी अपना लैब असिस्टेंट ब्लड ग्रुप परफॉर्म करता है, तो उसके पास सिर्फ एंटीजन ए बी एंड डी, डी मीन्स क्या आर एच, डी मीन्स क्या आर एच, आर एच का मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिव और नेगेटिव शो करेगा। आर एच मीन्स कि डी एंटीजन, जी डी एंटीजन जो है, जिसके ब्लड में डी एंटीजन बहुत सारे प्रेजेंट रहेगा उसका ब्लड ग्रुपिंग में जो टाइटल दिया रहता है वो पॉजिटिव रहेगा, और जिसके डी एंटीजन नहीं रहता जिसके ब्लड में तो उसको नेगेटिव आता है। तो अभी ए बी परफॉर्म, जब ए बी एंटीजन एंड डी एंटीजन जब हम एक स्लाइड में प्रिपेयर करते हैं, तो जब ए और बी दोनों भी अगर रिस्पॉन्स देते हैं तो हम उस दोनों को ए बी बोलेंगे, मीन्स ए बी बोलेंगे, और जब डी रिस्पॉन्स देगा पॉजिटिव तो अपन उसको बोलेंगे ए बी पॉजिटिव। अगर अपने को ए एंड बी रिस्पॉन्स नहीं देते, मीन्स कि जिस तरीके से वो स्टार्च फॉर्म में फट जाते हैं, अगर वो नहीं फटते तो उसको अपन कोई नाम नहीं है, ए और बी कुछ नहीं हुआ रिस्पॉन्स, तो अपन उस टाइम उसको ओ बोलते हैं। अ सिस्टम यूज टू ग्रुप ह्यूमन ब्लड इंटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ सर्टन मार्कर्स ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल। द फोर मेन ब्लड ग्रुप आर ए बी ओ एंड द ए बी, ए बी ओ एंड ए बी, ये फोर मेन ब्लड ग्रुप है, ये फोर मेन ब्लड ग्रुप है जो फॉर्मेशन किससे होता है, ए और बी से होता है। देन फॉर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज यूज टू मैच ब्लड टाइप ऑफ डोनर एंड द पर्सन रिसीविंग द ट्रांसफ्यूजन। पीपल विद ब्लड टाइप ओ कैन डोनेट ब्लड टू एनी वन एंड आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। अब जैसे कि ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ पॉजिटिव हो या ओ नेगेटिव हो, वो यूनिवर्सली सबको ब्लड वो डोनेट कर सकता है। पीपल विथ ब्लड टाइप ए बी कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ऑल डोनर आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिप्टर। जो यूनिवर्सल डोनर है यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किसी को भी ब्लड दे सकता है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किसी से भी ब्लड ग्रुप ब्लड मीन्स ले सकता है, तो इसके लिए उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। पीपल विथ टाइप ए और बी कैन रिसीव मैचिंग ब्लड और टाइप ओ ब्लड। अगर किसी का सिर्फ ए है या बी है या ओ है तो उसको सेम ब्लड ग्रुप लगेगा, ए को ए लगेगा, बी को बी लगेगा और ओ को ओ लगेगा। क्यों? क्योंकि ओ जो है डोनेटर है, रिसीवर नहीं है, इसके लिए ओ को सिर्फ ओ वाला ही देगा, और ए भी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मतलब वो यूनिवर्सली किसी का भी ब्लड ले सकता है। तो अब नेक्स्ट, आरएच, आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? तो अभी जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, जो एंटीजन डी होता है अपना ब्लड ग्रुपिंग में, एंटीजन डी, तो एंटीजन डी का कोई नाम नहीं होता, एंटीजन डी से कोई ग्रुप नहीं, एंटीजन बस खाली मेंशन करता है प्लस एंड माइनस, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो द आरएच ब्लड ग्रुप इज नेम आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ आरएच फैक्टर और डी एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी सेल। पीपल हैविंग द डी एंटीजन आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव, विल थॉस लैकिंग आरएच एंटीजन आर रिगार्ड एज आरएच नेगेटिव। सिंपल है, जिसके आरबीसी में, जिसके आरबीसी में एंटीजन डी प्रेजेंट है उसका आरएच पॉजिटिव रहेगा, और जिसके आरबीसी में डी नहीं प्रेजेंट है उसका नेगेटिव रहेगा। सिंपली समझ के लेना है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम, डिटर्मिनेशन यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि अपना ब्लीडिंग टाइम क्या है, क्लॉटिंग टाइम क्या है। तो द ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम इज इंडिकेट द कंडीशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, यानी क्या है मैकेनिज्म है कौन सा, क्लॉटिंग टाइम इंडिकेट द कंडीशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड मैकेनिज्म। तो एक तरीके का मैकेनिज्म है कि अपना ब्लीडिंग कब तक हो रहा है और क्लॉटिंग कब तक में हो जा रहा है, टाइमिंग मैटर करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम स्टार्ट विद द पंक्चर ऑफ द फिंगर प्रिंट वाइप ऑफ द ब्लड विद द पीस ऑफ फिल्टर पेपर एवरी 20 सेकेंड एंड स्टॉप द टाइमिंग वेन द वुंड इज ड्राई
फोर, थर्ड टाइम नॉर्मल ब्रीडिंग टाइम इज बिटवीन 2 to 3। हर एक 20 सेकेंड पे अपने को फिल्टर पेपर जस्ट पंक्चर वाले पोजीशन पे लगाना है। इसको हर 20 सेकेंड पे 3 बार करना है, तो तीसरी बार में ये रुक जाना चाहिए। तो तीसरी बार में जब रुक जाना चाहिए तो अपना ब्रीडिंग टाइम जो नॉर्मली 2 to 3 मिनट के अंदर में रहना चाहिए, वो भी इसको पंक्चर करने के बाद अपने को प्रेशर नहीं देना है। मीन्स कि अगर हम लोग किसी का फिंगर टिप्स को पंक्चर करते तो उसको हमें प्रेस नहीं करना है, जस्ट एक नॉर्मली पोजीशन में उसको एक पंक्चर कर छोड़ देना है। ये हमारा होता है ब्रीडिंग टाइम देखने का। देन क्लॉटिंग, इन ऑर्डर टू मेजर द क्लॉटिंग टाइम ड्रॉप फर्स्ट क्लियर ड्रॉप ऑन द ब्लड इंटर पैराफिन एंड द स्टार द टाइमर, ड्रॉस पैराफिन एंड स्टार्ट द टाइमर, ड्रॉ स्ट्राइल नीडल्स थ्रू द ड्रॉप इन एवरी 20 सेकेंड, स्टॉप द टाइमिंग व्हेन द फर्स्ट फेवरिन फाइबर अपीयर। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम इज बिटवीन 5 to 10 मिनट ऑन पैराफिनेटेड सरफेस, बट कैन बी मच फास्टर और लेस स्मूथ सरफेस। अभी क्या होगा, जब भी हम अपने पैराफिन में एक वाटर ड्रॉप अपना ब्लड ड्रॉप इंटर करेंगे, तो ब्लड ड्रॉप डालने के बाद में क्या होना चाहिए कि हर 20 सेकेंड पर अपने को एक स्ट्राइल नीडल से जस्ट उसको एक चेक करना है। तो चेक करने के बाद में जिस जैसे ही अपना इस तरीके का फेवरिन क्रिएट होता है जस्ट उस टाइम ही क्लॉक को बंद कर देना है। तो क्लॉटिंग टाइम जो है अराउंड 5 to 10 मिनट और ब्रीडिंग टाइम जो है 2 to 3 मिनट।